सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के नैनो म्यूजिक प्लेयर के बारे में कि नैनो म्यूजिक प्लेयर हमें कैसे इस्तेमाल करना है और कौन कौन से फोनों में देखने को मिलता है। एंड गाइस, क्या है इसके फायदे जिसे हमें नैनो म्यूजिक दिया गया है। एंड गाइस, इसमें कैसे कैसे क्या चीजें होती है वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। एंड अगर किसी ने बाय मिस्टेकली नैनो म्यूजिक को रिमूव कर दिया है तो वापस हम कैसे लाएंगे, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो एंड तक बने रहो, आपको कंप्लीट चीजें नैनो म्यूजिक के बारे में पता चलेंगे इस वीडियो के अंदर। सो गाइस, नैनो म्यूजिक को पहले हम यहां पर देखेंगे हमारे फोन के अंदर नैनो म्यूजिक है या फिर हमें लाना पड़ेगा। एक बार मैं यहां पर आ रहा हूं, सर्च बार में हम टाइप करते हैं नैनो म्यूजिक। तो अभी देखो यहां पर मेरे पास यहां पर नैनो म्यूजिक वाला जो फीचर है ये यहां से गायब है। तो अब इसको लाएंगे कैसे, देखो गाइस, मैं यहां पर क्लियर करना चाहूं। सबसे पहले तो ये चीज डिसाइड कर लीजिए, जो नैनो म्यूजिक है एक्चुअली एक एप्लीकेशन फॉर्म में भले ही है लेकिन एक विजिट्स है जिसके में हम यूज करके अपने सॉन्ग वगैरह को फॉरवर्ड वगैरह कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखो, विजिट्स फोन के अंदर किसी भी ब्लिंक एरिया पे जहां पर खाली एरिया है उसको लॉन्ग प्रेस करिए इस तरीके से। देखो, ये ऐप ड्रॉअर जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए नहीं है, जो लोग स्टैंडर्ड मोड यूज करेंगे उनके लिए इस तरीके से ओपन करना है। और इस तरीके से करने के बाद आपको यहां पर एक विजिट्स का साइन आएगा, इस तरीके से कर देंगे विजिट्स वाले पे क्लिक। अब देखो, ये विजिट्स वाले पे जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा ऐप ड्रॉअर में। तो ऐप ड्रॉअर देखो जो लोग यूज करते हैं उनमें यहाँ विजिट्स का साइन मिलता है, जो लोग स्टैंडर्ड मोड यूज करते हैं उनको लॉन्ग प्रेस करके विजिट्स पे क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब यहां पर बहुत सारी चीजें आ रही है, एक ऑप्शन आपको नैनो म्यूजिक का मिल रहा है, इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे इस तरीके से और अपने जिस भी एरिया पे लाके रखेंगे इसको छोड़ देंगे तो यहां पर ये ऐड हो जाएगा नैनो म्यूजिक। अब ये नैनो म्यूजिक काम कैसे करता है, देखो नैनो म्यूजिक जो है इसको एक सेटिंग्स मिलेगी, एक बार क्लिक करना, सेटिंग्स वाले साइन पे क्लिक करेंगे। दो म्यूजिक प्लेयर हमारे फोन के अंदर है, एक है सॉफ्टिफाई और दूसरा है म्यूजिक। अगर आपको म्यूजिक का जो आपके मेन में बाय डिफॉल्ट म्यूजिक है जिसे हम प्ले करते हैं उसके सॉन्ग को यूज करना नैनो म्यूजिक में तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको स्क्रॉल करके ऊपर कर देंगे तो अब ये आपके म्यूजिक का जो बाय डिफॉल्ट सॉन्ग है उसको नहीं प्ले करेगा बल्कि सॉफ्टिफाई का म्यूजिक जो होगा वो प्ले करेगा। अब यहां पर दिखाते हैं, डन पे क्लिक कर देंगे। अब देखो सॉफ्टिफाई आ चुका है, इसको हम यहीं पे क्लिक करेंगे तो अब सॉफ्टिफाई में जो सॉन्ग हम प्ले करेंगे वहीं से इसे इजीली यहां से प्ले करके इधर उधर कर सकते हैं। हालांकि सॉफ्टिफाई मैंने अभी डाउनलोड रिसेंटली करा है इसलिए इसको बोला साइन इन वगैरह करने के लिए, लेकिन मैं इसको एग्जांपल दिखाता हूं आपको इसके मेन बाय डिफॉल्ट म्यूजिक प्लेयर की। इसको मैं क्लिक करूंगा फिर से वापस करके ऊपर कर देते हैं, इसको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहां पर म्यूजिक पे क्लिक कर दीजिए। अब कोई भी सॉन्ग आपके फोन में है तो आप एक बार प्ले पे साइड पे क्लिक करेंगे, सॉन्ग हमारा प्ले हो चुका है, मैंने म्यूट करके रखा है। अब यहाँ पर देखो जितनी बार आप चेंज करेंगे नीचे देखना यहाँ पर हमारे चेंजेस हो रहे हैं, सॉन्ग चेंजेस हो रहे हैं। अगर सॉन्ग इस तरह से एक बार चेंज नहीं होते तो एक बार डबल ट्रिपल इसको प्रेस कर दीजिएगा तो ये चेंज हो जाएगा एक बार, इसके बाद जितनी बार चाहेंगे उतनी बार चेंज कर सकते हैं। देखो चेंज हो रहा है, हमारे प्रॉपर सॉन्ग यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। बस यही काम करता है नैनो म्यूजिक। नैनो म्यूजिक एक इजी टू यूज प्लेयर है, म्यूजिक प्लेयर, और इसको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। अभी जितने भी न्यू डिवाइस आ रहे हैं V23 Pro एंड V25 Pro V23 तो ये जितने भी डिवाइस हैं लाइक जो भी हैं वॉइस सीरीज में भी अभी आपको देखने को मिलता है नैनो म्यूजिक, तो इस विजिट्स को इनेबल करके अगर सॉन्ग वगैरह बहुत ज्यादा सुनते हो तो आप इस नैनो म्यूजिक से आप जो है उसे आसानी से सुन सकते हो। इसमें जो है आप उसी पे क्लिक करके आसानी से सॉन्ग को फॉरवर्ड कर सकते हो यू नो, लेकिन इसको हम जो भगाते हैं लाइक सॉन्ग को बीच में कहीं सुनना है तो फीचर नहीं आता, इसमें प्रो सॉन्ग ही भाग जाता है दूसरा चालू हो जाता है। तो यू नो आपको समझ में आया होगा कि ये नैनो म्यूजिक है क्या, कैसे इस्तेमाल करना है, जो लोग डिलीट कर चुके हैं नैनो म्यूजिक उसे वापस कैसे लाना है। तो इस विजिट्स के बारे में कंप्लीट चीजें मैंने आपको बता दी है और यही टोटल यूज होता है इस नैनो म्यूजिक का। तो आई होप कि आप समझोगे नैनो म्यूजिक क्या है, कैसे में इस्तेमाल करना था। एंड गाइस, अगर नैनो म्यूजिक के रिकॉर्डिंग कोई और कंफ्यूजिंग होती है तो कमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, वहां भी अपने सवाल वगैरह पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।